जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो एक महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस एक महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग लगभग अगर देखें तो एक महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा, पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया धन का कारक, पंचम भाव का कह कारक कहा गया संतान का कारक, नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये एक महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में दो ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु, और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ही रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है एक महीने के लिए, आ रहा है एक महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों हैं। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे व रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुँच गए, वहाँ उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं आप उसको अपनी श्रद्धा अनुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम तीन तीन माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, कि गुरु अगर एक महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में जब गुरु अस्त होंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ये घटना घट रही है आपकी राशि से एकादश भाव। एकादश भाव जिसको हम लाभ और प्राप्ति का भाव कहते हैं, वहां पर गुरु और सूर्य पहुंच गए हैं। सूर्य ने गुरु को अस्त किया और उस दौरान भाव के जो स्वामी शुक्र हैं वो भी अस्त हैं। यानी एक महीने के लिए देखें तो सूर्य ग्रह ने दो ग्रहों को अस्त किया। वो दोनों ही ग्रह अगर देखें तो कहीं ना कहीं धन और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। धन का भाव है, लाभ का भाव है, धन चाहते भी हैं, धन की स्थिति बन भी रही है, लेकिन क्या हो गया, प्लेनेट अस्त हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फायदा मिलेगा नहीं। प्लेनेट अगर अपने भाव में गया है और भले ही वहाँ 11वां घर है जिसको हम लाभ प्राप्ति के लिए कहते हैं और वो अस्त हुआ तो रिजल्ट देने में डिले हो सकता है, रिजल्ट प्राप्ति में परेशानी हो सकती है। प्रमोशन जैसे इस तारीख को मिलना है तो 10 दिन बाद मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिजल्ट आपको ना मिले, क्योंकि रिजल्ट देने वाला प्लेनेट 11th हाउस है। जब भी किसी को कुछ लाभ हुआ, प्राप्ति हुई, इनकम हुई, पैसा बढ़ा, प्रमोशन हुआ, तब तब प्लेनेट का 11वें घर से संबंध बना। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो धन भाव का स्वामी एकादश में जाता है सूर्य तो धन योग बनाता है, भाग्य का स्वामी जाता है तो धन योग बनाता है, चौथे का स्वामी बना पाता है राजयोग बनाता है, और लाभ का ही स्वामी शुक्र वहां होगा। इसलिए हम इस राजयोग धन योग को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, ये ग्रह अस्त है, अस्त है तो अस्त से संबंधित कारकत्वों में डिले, वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भाई प्रेशर तो बनेगा। ये प्लेनेट क्या चाहता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इस प्लेनेट को दिशा देनी पड़ेगी, इस प्लेनेट को राह दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लेनेट अंधा हुआ, कम्बस्ट हुआ, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। यानी वो सभी तरीके से सक्षम तो है लेकिन उसको दिशा दिखानी जरूरी है। ऐसी स्थिति में क्या है, आप पेशेंस रखेंगे, आप धैर्य रखेंगे, आप डायरेक्शन नहीं छोड़ेंगे, आप सही दिशा पे काम करते रहेंगे, तो क्या होगा, उस सही दिशा पे काम करने से आपको लाभ भी मिलेगा। ये कहना चाहता है ये प्लेनेट। अब इसमें सोचते हो मेरा तो गुरु अस्त हो गया, अब मैं क्या करूं, नहीं, आपको वो चीजें समझनी है। अगर आप ट्रांजिट को समझते हैं ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। किसी ने व्यक्ति के जीवन में शनि के 7.5 ही ढैया आ गई, वो उसके नाम से ही घबरा गया, तो समझ लीजिए शनि का काम हो चुका है। वो आपके ऊपर हावी होंगे, वो आपकी चीजों को नेगेटिव करेंगे, उसका प्लैनेट का स्वभाव है। लेकिन अगर आप उस चीज से निकलते हैं, उस चीज को समझते हैं और उस चीज के लिए धैर्य रख के मेहनत करते हैं तो वो पॉजिटिव है। एग्जैक्टली गुरु और शुक्र का अस्त होना यही चाहता है आपसे, कि आपको ट्रैक नहीं छोड़ना है, आपको उसी चीज में लगा रहना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो प्लेनेट लाभ भाव में है। यानी काम तो आपका इस एक महीने में जरूर होगा, फायदा तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि प्लेनेट 11वें घर में गया और वो खाली भाव नहीं है, उसमें जितने प्लैनेट जाते हैं वो सब बढ़ोतरी करते ही करते हैं, तो यहाँ भी ये बढ़ोतरी करेंगे। गुरु के लिए उपाय मैंने इंट्रोडक्शन में बताएं, आप उनको सुनिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उनको करने शुरू कीजिए और वो दान कीजिए, फिर देखिए आपके लिए स्थितियाँ, सकारात्मक स्थितियाँ बनती चली जाएंगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए, जब लाभ स्थान में गुरु अस्त होंगे तो क्या फल होगा। जय श्री राम।